नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि जन सुविधा राजस्व वृद्धि पर चर्चा, परिवहन सेवाओं समेत कई मुद्दों पर यहाँ पर मंथन होगा। शासन के आला अफसर भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कैबिनेट के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि जनसुविधा राजस्व वृद्धि पर यहां पर मंथन होने वाला है। इस बैठक में परिवहन सेवाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शासन के आला अफसर यहां पर शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो हमारे साथ नवीन शुक्ला देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवीन, आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेंगे। जी जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगातार तमाम जो विभाग है उनकी लगातार बैठक ले रहे हैं और क्या कुछ कार्य योजना तैयार की जा रही है, विभाग किस तरीके से काम करे, प्रदेश में जो आम लोग हैं, आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, सभी विभाग की लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो परिवहन विभाग है उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह होती है कि जो बैठक में जन सुविधा है, परिवहन सेवाओं और राजस्व वृद्धि जो वृद्धि है उसको लेकर तमाम जो विभाग है उनके साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। काफी अहम बैठक भी मानी जा रही है और कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास किस तरीके से हो, विभाग किस तरीके से काम करें, इन सबका खाका तैयार किया जा रहा है। यह बैठक शुरू हो चुकी है सचिवालय में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और जो तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं, तमाम विभागों के आला अधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं, रूपरेखा तय की जा रही है और आने वाले समय में किस तरीके से काम किया जाए कि उत्तराखंड का विकास हो, इस पर मंथन किया जा रहा है। नवीन, सबसे बड़ी बात कि इसमें शासन के आला अफसर होंगे शामिल और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी और क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवहन विभाग की बैठक है उसमें परिवहन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, जो आवागमन के संसाधन है या फिर जो राजस्व प्राप्ति की बात की जाए, तो तमाम ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही जो तमाम सारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ उन्हें बुलाया गया है। साथ ही आयुष विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज बैठक करने कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर देखने सामने आ रही है कि तमाम सारे जो विभागों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाया है और विभागवार जो बैठक का जो दौर है वह शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष विभाग हो या फिर परिवहन विभाग हो, ये ऐसे विभाग हैं जो कहीं ना कहीं एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। जनसुविधा राजस्व वृद्धि पर चर्चा होगी, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पर मंथन होने वाला है। श्री राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी की आज जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन भर पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया है और धर्म रक्षा को राजनीति से ऊपर रखा है। आपका समर्पण भाव हम सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या की थीम पर होंगे। सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों के यहां पर निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेकों अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक
आरती की जाएंगी, स्वच्छता का अभियान चला जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में संस्कृति विभाग के अफसरों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड में तैयारियां पूरी तरह से तेज की जाए, रामकथा का आयोजन भी किया जाए, नदियों के घाटों की साफ सफाई का यहां पर अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि अयोध्या में जो उत्तरायणी कार्यक्रम है उसमें भी यहां पर विशेषकर ध्यान दिया जाए। सीएम से लोगों ने अपील की है, रामकथा आयोजित करने के लिए भी यहां पर अपील की गई है। तो हमारे साथ यशराज आनंद देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया है, उन्होंने ये निर्देश दिया है अधिकारियों को कि यहां पर कलश यात्रा निकाली जाए और साफ सफाई की यहां पर बेहतर सुविधाएं रखी जाए। जी बिल्कुल, अयोध्या में रामलला विराजमान होने को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों को यह भी कह रहे हैं कि वो प्रदेश के लोग यहाँ पर सबसे पहले तो दीपक जलाए और सबसे बड़ी बात जो है कि उत्तरायणी जो यहाँ पर मनाई जाएगी उसके उपलक्ष पर जो अयोध्या में जिस प्रकार से रोशन किया जाएगा, अयोध्या की जो थीम होगी उसी थीम पर मनाई जाएगी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दे दिए हैं कि यहाँ पर जो जिस दिन अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे उसके दिन पहले से ही यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जाए, शोभा यात्रा निकाली जाए, साथ ही साथ उसी तरीके से दीपक से पूरे प्रदेश को जगमग कर दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि यहाँ के लोग जो है वो जो रामलला विराजमान हो रहे हैं, काफी वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जो भाजपा सरकार ने रामलला को विराजमान करने का जो काम किया है, इस पर्व को दीपावली पर्व से भी भव्यता के रूप में मनाया जाने का उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिकारी और तमाम प्रदेश के लोग साथ साथ कदम से कदम मिलाकर इस भव्यता को बढ़ाएं और यहाँ पर रामलला का जो थीम है, अयोध्या का जो थीम है उसी थीम पर वो काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कलश यात्रा को लेकर भी उन्होंने बात कही कि पूरे प्रदेश में कलश यात्रा को भी निकाले जाने की बात कही है कि कलश यात्रा लोग निकालें, यहाँ पर लोग खुशी का माहौल देखने को मिलेगा, लोग खुशी से रामलला की पूजा करें, मंदिरों को साफ सफाई का ध्यान रखें। पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है कि राम मंदिर के जहाँ पर राम मंदिर है यहाँ पर या जो भी मंदिर है वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामलला जो विराजमान हो रहे इस पर्व को समझा जाए, इस महापर्व को उत्तराखंड में धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने तमाम अधिकारियों और लोगों को भी स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे दिया। जी बहुत शुक्रिया आशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि रामकथा आयोजित करने की अपील की गई है, नदियों के घाटों की साफ सफाई का भी अभियान यहाँ पर चलाने के निर्देश दिए गए। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का आज जन्मदिन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीएम धामी सहित तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में एक तरफ बीजेपी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अपनी रूपरेखा तैयार करने जा रही है, वहीं दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि मेरे सपनों में भगवान राम आए और उनको 22 जनवरी को अयोध्या में आने का निमंत्रण दिया गया है। हरीश रावत के इस पोस्ट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है और कहा है कि हरीश रावत की सभा में अब जनता नहीं आती है, इसलिए वो पोस्ट के जरिए अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भगवान राम उनके सपने में आ रहे हैं तो उनके ऊपर बड़ी कृपा है। देहरादून में आयुष परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की शुरुआत बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा के भजन के साथ की गई। बता दें कि बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा इन दिनों अपने एक भजन को लेकर काफी सुर्खियों में है। दरअसल स्वाति के भजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया है। पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम चल रहा है,
जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने उपस्थित लाभार्थियों के बीच सीधा संवाद किया है और उन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। साथ ही सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया है। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों के साथ कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का यहां पर निरीक्षण भी किया है। यात्रा है वो शुरू हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर हम सभी ने पहले तो प्रण लिया कि 2047 तक हम पूरे भारत को एक पूरे भारत को हम एक विकसित देश के रूप में देखेंगे। और ये जो यात्रा यहाँ से शुरू हुई है आज कोटद्वार में, ये 3-4 दिन यहाँ रहेगी। जो कार्यक्रम सरकार, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार चला रही है अपने भाइयों और बहनों के लिए, जो गरीब हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए जो ये यात्रा चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इससे लाभ लेगी, जानकारी लेगी और जिस जो हम सोच रहे हैं कि विकास की ओर बढ़ेगी वो इस यात्रा से अवश्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के औद्योगिक संस्थानों में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश भी दिए, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता शिवपाल बिष्ट ने धामी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम मुख्यमंत्री को अभी बेरोजगारों की याद तो आई है। साथ ही कहा है कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। देर आए दुरुस्त आए, मुख्यमंत्री जी को बेरोजगारों की सुध तो आई, उनको अब ये एहसास हुआ कि रोजगार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पे अगर रोजगार की बात मुख्यमंत्री न करें ये कैसे हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए ना, 7 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है राज्य में, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। रोजगार कार्यालयों के आंकड़े आप उठा ले दीजिए, लगातार जो है बेरोजगार निराश हैं, हताश हैं और अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार के लिए राज्य के नौजवान भाजपा के छलावे में अब बिल्कुल नहीं आने वाले, तो सरकार की कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। अब युवा भी उसको भली भांति समझ रहे हैं, प्रदेश की जनता भी समझ रही है। भाजपा अब कोई भी बयानबाजी कर ले, अब प्रदेश का नौजवान उस पर भरोसा नहीं करने वाला। नैनीताल जिले में आदमखोर बाघ को ट्रैक लाइज करने के बाद उसकी सैंपल की रिपोर्ट आ गई। पकड़ा गया है बाघ वहीं जिसने 3 महिलाओं को अपना निवाला बनाया था। बाघ और गुलदारों के आक्रामक और तेज होते हमलों को देखते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं बाघ और गुलदारों का सर्वे किया जाए। ऐसा इसलिए है कि बाघ का आदमखोर होना जनता के लिए बहुत खतरनाक है। कल बैठक में हमने इस बिंदु को उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करी, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और उसमें जो ट्रैंक्विलाइजर देकर बाघ को बेहोश किया था तो वो वही निकला है, क्योंकि उसके टेस्ट जो हुए हैं वो सही निकल गए हैं, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन जिस कदर से ये आदमखोर हो रहे हैं इधर कई दिनों से, तो उसके लिए हमने कहा है, फॉरेस्टी की अलग से भी बैठक थी, कल भी हमने कहा है DFO से, एडमिनिस्ट्रेशन से। उत्तराखंड में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूली बस्तों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए अब राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि हम लोगों ने सभी बोर्ड की एक बैठक बुलाई थी जिसमें बस्ते के बोझ को कम करने की बात कही गई है। शिक्षा मंत्री ने उम्र के हिसाब से बस्ते के बोझ को कम किया जाएगा, साथ ही साथ हम लोग अभी ये कह रहे हैं कि बस्ते का बोझ अब 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। हमने सभी CBSE बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को बुलाया था, ICSE बोर्ड को, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ है 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा, उम्र के हिसाब से जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को बस्तों का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकालेंगे। ये NEP 2020 में भी ये दिशा निर्देश हैं कि बच्चे को जो है बस्ते के बोझ से छुटकारा दिलाना है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमित तो मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने की यहाँ पर निर्देश दे दिए। वहीं देहरादून में कोरोना, इन्फ्लुएंजा और स्वाइन
स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम धनसिंह रावत ने कहा है कि कोरोना को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने वैक्सीन भी लगवा ली है। कुछ जो कोरोना के मामले आ रहे हैं वो नॉर्मल है। यह है कि कल हमने सभी सीबीएसई बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को बुलाया था, आईसीएसई बोर्ड को, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ है 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से, जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को वस्तुओं का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकालेंगे। ये एनईपी 2020 में भी ये दिशा निर्देश हैं कि बच्चे को जो है बस्ते के बोझ से छुटकारा दिलाना है। विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने सभी विभागों की बैठक ली है, जिसमें 37 विभागों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में करीब 30 विभाग के अधिकारी ही शामिल पाए गए, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। साथ ही अनुपस्थित अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जाए योजनाओं को किस तरह से विभागों के अधिकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं, इस बात की समीक्षा भी की गई। अल्पसंख्यक आयोग की यहां पर समीक्षा बैठक की गई है। आपको बता दें कि यहां पर अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ विभागों के अधिकारी यहां पर अनुपस्थित पाए गए हैं, जिसको लेकर यहां पर निर्देशित किया गया है अधिकारियों को। हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अब डॉक्टरों को थोड़ी राहत देने जा रही है। पीजी डॉक्टर को बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से वो पीजी कोर्स पूरा करेंगे उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका भी मिलेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र में 3 साल काम करने की शर्त से राहत मिलेगी। सचिव स्वास्थ्य राजेश कुमार ने बताया है कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है, जल्द ही इसका शासन आदेश भी यहां पर जारी किया जाएगा। देखिए, जो पीजी बॉन्डधारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि 1 साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो अभी हमने क्योंकि स्टेट में एसआरशिप्स जो है एसआर की कमी है और जब एसआर और असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर एक कंप्लीट यूनिट है, जब ये 4 लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे हमें और ज्यादा पीजी सीट्स मिलेगी और ज्यादा पीजी सीट्स मिलने की संभावना है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीवा में मझौला क्षेत्र में अवैध तौर पर पेड़ों के काटना यहां पर मना किया गया है। दरअसल एक निजी फॉर्म में परिसर में 30 सौगान के पेड़ों को काटने का परमिशन था, लेकिन ठेकेदारों ने 30 की जगह 80 सौगान के पेड़ों को काट दिया है। वहीं सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि परमिशन से ज्यादा सौगान के पेड़ काटने की सूचना पर मौके का निरीक्षण किया गया है, जहाँ 30 पेड़ों की परमिशन की जगह लगभग 80 पेड़ सौगान के अवैध रूप से कटे पाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि लकड़ी को जब्त कर तहसील परिसर रखा जाएगा, साथ ही फॉर्म के मालिक हैं खिलाफ भी उनके कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो यहां पर सौगान के पेड़ काटने के अवैध मामला सामने आया है। जिलाधिकारी ने यहां पर कार्यवाही भी की है, 30 की जगह पर 80 पेड़ों को यहां पर काटा गया है। सौगान के पेड़ों का यहां पर अवैध कटने से यहां पर अधिकारियों ने लोगों को निर्देशित किया है, 30 की जगह पर 80 पेड़ों को काटा गया है। ये तस्वीर भी आपके सामने है।
पंचायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ सागवान के मतलब अधिक मात्रा में सागवान के पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी परमिशन कम है लेकिन काट ज़्यादा दिए हैं जिस मात्रा में उनकी परमिशन थी सजा। तो लिहाजा हम यहाँ पर तहसीलदार साहब और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी लोग सब यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जाँच की तो पाया गया कि जितनी इनके पास परमिशन थी वन विभाग से और जो हमारे द्वारा भी परमिशन दी गई थी उससे कहीं अधिक मात्रा में इनके द्वारा अवैध सागवान पेड़ का कटान किया, जिनको हम जब्त कर रहे हैं और अभी हम तहसील में ले जाएंगे फिर उसको नीलामी तक की बिक्री की। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बगावत का फूल देखने को मिले हैं, जहां हाई कमान ने इन फूलों को ज्यादा खेलने तो नहीं दिया है लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, जहां कांग्रेस ही अब भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठते ही उन्होंने वन मंत्री पर अपमानित करने का आरोप लगा दिया। इसी के साथ ही डीएफओ अभिलाष और डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की मांग करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लपक कर कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की तो जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और साथ ही इस पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं विधायक आदेश चौहान का कहना है कि भ्रष्टाचार का ये खेल है, अगर नहीं है तो इस पूरे मामले की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए, आपके माध्यम से पता चला कि दुर्गेश लाल जी एक हमारे साथी विधायक है और उन्होंने वन मंत्री के यहाँ धरना दिया डीएफओ को लेकर। मैं दुर्गेश लाल जी से और वन मंत्री दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर डीएफओ गलत है, मतलब वहाँ की जनता पे उत्पीड़न कर रहा है तो किस तरह कर रहा है, क्या उनको गलत काम करने से रोक रहा है या उनसे गलत काम करा रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और मान लिया गलत काम करने से रोक रहा है जनता को तो मान लिया उस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, और मान लिया जो उनका कहना है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के कि ये परिवार की लड़ाई है, ये परिवार की लड़ाई है तो सड़क पर क्यों आई, क्योंकि दुर्गेश लाल जी को सड़क पर धरना देना पड़ा अपने मंत्री के खिलाफ, तो ये तो जो है परिवार की लड़ाई नहीं रही, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है, और जिसे मैं समझता हूँ कि दुर्गेश लाल जी उसे खोलना चाहते थे लेकिन पार्टी ने इसे मैनेजमेंट के तहत दबाने का प्रयास किया है और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा निश्चित। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर अक्सर विधायक और मंत्री उनके पास आते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात हुई है, सभी को कहा गया कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम करें और उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर पुरुला से विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि प्रदेश की जनता ही अपनी सरकार चुनती है, जनता सर्वोपरि है, जनता के हित में ही काम करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें, एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया क्योंकि हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे लेकिन वो बात नहीं बनी, तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई, लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा, सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक, पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है, पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है, तो जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता का, जनता की आवाज़ थी के दायरे में रह उल्लंघन। मेरा विषय क्या है कि जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण होती है तो थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होती है, अनुशासन का विषय नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बातचीत की है, ये अपनी मांग के दृष्टिकोण से गए, वो मांग ठीक प्रकार से माननीय मंत्री जी का आगे उन्होंने रखा है, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा स्थिति निर्माण हुई है और दोनों ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है और आगे इस प्रकार स्थिति न हो। कमल के फूल के बगीचे में अब बगावत के फूल भी खिलने लगे,
हालांकि पार्टी के हाई कमान इन फूलों को खत्म करने में सफल तो रहे, लेकिन कांग्रेसियों ने इसे मुद्दा बना लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या फिर से कहीं कोई बगावत का फूल तो नहीं खिलेगा। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।